बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज और मैं हूं गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करती है डस्के से। शुमाला हाशमी की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का गंदम और आटे से बनने वाली बेकरी एशिया की कीमतों में कमी करने से इनकार। बेकरी की एशिया बनने वाली कंपनियों की लूट मार जारी। हुकूमती अदारे बेकरी एशिया बनने वाली माफिया के आगे बेबस दिखाई देते हैं। गुज़श्ता साल आटे की कीमतों में इजाफा होने से बेकरी मालकान ने भी आटे और मैदे से बनने वाली एशिया में मुतअद्दद बार इजाफा किया, जबकि गुज़श्ता साल जो डबल रोटी 40 रुपये में मिलती थी, इसकी कीमत 90 रुपये हो गई है। 80 वाली 170 और 110 वाली 240 में फरोख्त होने लगी। हालिया दिनों में आटा सस्ता होने के बावजूद बेकरी मालकान का मजाकर मसरूआत में कमी करने से इनकार। डस्के की शहरियों की इंतजामिया और डिप्टी कमिश्नर के आगे इल्तजा के बेकरी एशिया बनने वाली कंपनियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तहसील डस्का नज़्द मियांवाली बंगला नहर ऊपर चनाब में लड़का नहाते हुए डूब गया। 23 साल नौजवान मुल्तान का रहायशी था और मुर्गी खाने में काम करता था। रेस्क्यू 11 भाई ने सर्च ऑपरेशन का आगाज किया और पहले ही गोते में लड़के की बॉडी निकाल ली। 23 साल हरमीन वल्द रफीक लाश को निकाल कर अलकाई पुलिस थाना सतरा के सुपुर्द कर दिया। महंगाई से स्थाई आवाम के लिए नई खुशखबरी। वफाकी हुकूमत का रेलवे की ट्रेनों के किरायों में 40 से 50% तक की कमी का फैसला। 1 से 200 किलोमीटर तक ट्रेनों के किराए में कमी की गई, नोटिफिकेशन जारी। लाहौर से रावलपिंडी तक चलने वाली ट्रेन की इकानवी क्लास का किराया 100 रुपये होगा। एसी क्लास के किरायों में 40% तक कमी की गई। किरायों में कमी का इतलाक मंगल 21 मई 2024 से कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए। मेरा ईद मेन्यू बनी एक्स्ट्रा स्पेशल विद नेस्ले मिल्क पैक क्रीम।